पूरा देश अयोध्या विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार कर रहा है। मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ सुनवाई पूरी कर चुकी है। उम्मीद की जा रही है 17 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के रिटायरमेंट से पहले इस मामले का फैसला भी आ जाएगा। उधर इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक तरफ प्रदेश सरकार ने फैसले के बाद किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी है, तो वहीं राम मंदिर आंदोलन से जुड़े आरएसएस ने भी अपने कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है। इनमें प्रदेश स्तरीय कई कार्यक्रम शामिल हैं। आपको बता दें, चाहे वो लखनऊ में होने वाला एकल कुंभ हो या अयोध्या में दुर्गा वाहिनी का शिविर, सभी स्थगित कर दिए गए हैं। वहीं प्रचारकों को अपने निर्धारित केंद्रों पर ही रहने का आदेश दिया गया है। सूत्रों की माने तो प्रचारकों को निर्देश है कि वे अपने संबंधित केंद्र पर ही रहें। वहीं इससे पहले दिल्ली के छतरपुर में आरएसएस और वीएचपी की कोर बैठक में उन्होंने ट्वीट कर लिखा, श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के मुकदमे पर शीर्ष न्यायालय का निर्णय जल्द आने की संभावना है। निर्णय जो भी आए उसे सभी खुले मन से स्वीकार करें। ये सबका दायित्व है कि निर्णय के बाद पूरे देश का माहौल सौहार्दपूर्ण बना रहे। मैं आपको बता दें, लखनऊ में 17 नवंबर से आरएसएस का एकल कुंभ आयोजित होना है, इसे स्थगित किए जाने की खबर है। वहीं अयोध्या में 4 नवंबर से दुर्गा वाहिनी शिविर लगना था, उसे भी रोक दिया गया है। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद द्वारा प्रदेश में आयोजित होने वाले त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रमों को भी स्थगित कर दिया गया। ऐसे में कहा जा सकता है अयोध्या के फैसले पर आरएसएस की पूरी निगाहें टिकी हुई हैं। आपको क्या लगता है, आप भी इस खबर पर अपनी राय रखिएगा। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस यूपी को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।